हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समारास कुकिंग वर्ल्ड। आज हम बना रहे हैं सबका बहुत ही फेवरेट, जो हर कोई चाहता है कि हम लोग जाके होटलों में खाते हैं, और काश हमने घर पे इसको बनाया होता और हमें पता होता कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो आप सबका बहुत फेवरेट तंदूरी चिकन, चलिए मैं बताती हूँ इसको बनाने के लिए हमको होटल स्टाइल में क्या क्या चाहिए होता है और इसको हम कैसे बनाएंगे। हमें तंदूरी चिकन बनाने के लिए चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया हुआ है 1 kg चिकन, और इनको मैंने कट्स लगाया हुआ है पूरे चिकन पे, और ये मैंने कंप्लीट चिकन लिया है पूरा विद बोन। इन सब पे कट्स लगे हुए हैं, सब पे कट्स लगे हुए हैं बीच में, सारे चिकन पे ऐसे ही आपको भी कट्स लगाना है। इसमें 2 मैरिनेशन हैं। फर्स्ट मैरिनेशन में हमें लेना है, ये मैंने 1 नींबू का रस लिया हुआ है बड़े, 2 टीस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून लिया हुआ है लाल कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून लिया हुआ है सॉल्ट, और थोड़ी सी 3-4 हरी इलायची को पीसा हुआ है इसका पाउडर। अब हम इसको पहले मैरिनेशन के लिए इसमें हम डालेंगे नमक, देखिए थोड़ा डालेंगे, थोड़ा हम सेकंड मैरिनेशन में मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कलर बहुत अच्छा आता है इसमें। इलायची पाउडर ये पूरा डाल देंगे हम, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे हम, इसमें 1 नींबू का रस है ये, आधा डाल देंगे। और ऐसे ही 1/2 अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये 1 चम्मच डाल दिया, बाकी हम उसमें डालेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं आप, जिससे सारी बोटियाँ मिक्स हो जाएं। देखिए सारा मसाला अच्छे से इसमें लग गया है। अब हम इसको फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने रखेंगे। अब हम सेकेंड मैरिनेशन करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए ये 1 टीस्पून सॉल्ट लिया था, उसमें से मैंने हाफ से भी ज़्यादा डाल दिया है, ये बचा हुआ सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और इसमें से हम 1.5 टीस्पून लेंगे ये है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। 1 टीस्पून हम इसमें से ले चुके हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बचा हुआ 1 टीस्पून है, यह है काला नमक, ये हम बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे टेस्ट के लिए, कसूरी मेथी लेंगे 1 टीस्पून, और ये बचा हुआ जो 1 नींबू का रस लिया था उसमें से आधा बचा हुआ है, आधा हमने पहले मैरिनेशन में डाल दिया है। ये 250 ग्राम दही है, इसको मैंने 2 घंटे छलनी में रख दिया था, ये हंकर्ड अब ये बचा हुआ है और इसमें से पानी पूरा निकला हुआ है। हम बड़ा सा थाल लेंगे, इसमें सारा मैरिनेशन मिक्स करेंगे, फिर हम अपने चिकन के पीसेस डालेंगे। तो ये मैंने जो थाल लिया है इसमें सबसे पहले मैं, ये देखिए बिल्कुल बिना पानी का है ये, अब इसमें हम सूखे स्पाइसेस डालेंगे, ये रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, जीरा, नमक, और हम बस खुशबू के लिए डालेंगे इसमें काला नमक। नींबू का रस, कसूरी मेथी, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही ये बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इन सारी चीज़ों में सबसे लास्ट में हम मिलाएंगे ऑयल, ये लेंगे हम, और 1/2 टीस्पून और लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए ये सब अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपना 1 घंटे से मैरिनेट रखा हुआ था ये अब इसमें मिलाएंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे,
ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से देखिए मसाले को ऐसे लेके और उंगलियों से अपने अच्छे से जहाँ जहाँ हमने कट लगाए हैं उनमें ऐसे उंगली से अंदर तक पूरा वे लगाना है और इसको कवर करना है। ऐसे ही सब में लगाएंगे हम जहाँ से कट्स हैं इसमें अंदर ऐसे पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको 1 घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रखेंगे और 1 घंटे बाद अब हम इसको भूनेंगे। देखिए हमने गैस के ऊपर अपना ये बाटी में कर रखा है और इसके अंदर हमने इसको तंदूरी चिकन बनाने के लिए इसमें हमने अंदर कोयले डाल रखे हैं और उसको दहका लिए हैं। गैस हमारा लो फ्लेम पे है और अंगारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें देखिए हम इस पर अपना चिकन रखेंगे, अभी इस पर तंदूर में अच्छे से भुनेगा, सारे पीसेस अच्छे से जमा देंगे इस पर। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने चिकन के ऊपर हल्का हल्का बटर डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। देखिए कितने अच्छे से जैसे तंदूर तैयार होता है बिल्कुल वैसे ही भुन रहे हैं और वो टेस्ट भी बहुत अच्छा तंदूरी चिकन ही बनेगा आपका। देखिए अब हम इनको पलट के देखेंगे, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए ये भुनना स्टार्ट हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है इनका। इनको बार बार चेंज करेंगे, देखिए देखिए हमारे पूरे चिकन टिक्के बहुत अच्छे से सिक गए हैं, ये कंप्लीट हैं अब बिल्कुल और बहुत ही स्मोकी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसको लकड़ी के कोयलों पे बनाया है। और बाटी मेकर तो सभी के घर में होता है और लकड़ी के कोयले भी आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप घर में ही गैस के ऊपर ही अपना तंदूर बना सकते हैं और जब दिल चाहे आप अपने कोई भी तंदूर की रेसिपी बना सकते हैं। और बस आप ध्यान रखें कि आप लोगों को जो ग्लास वाला जो चूल्हा आ रहा है गैस का वो यूज़ नहीं करना है, मैंने स्टील के चूल्हे पे बनाया है, तो आप लोग भी अपना जो चूल्हा है वो चेंज करें, या आप लोग स्टील का हो तो बहुत अच्छा है और अगर ग्लास वाला है तो आप अपने लिए चेंज करके और स्टील के चूल्हे पे इसको बनाएं और फिर देखिए कि आप अपने घर में बहुत ही ईजिली तंदूरी चिकन, तंदूरी रान, मैंने इससे पहले आपको तंदूरी रान भी दी हुई थी जिसका लिंक मैं आपको दूंगी और उसमें मैंने जो दही पुदीने की चटनी दी थी वो मैं इसके साथ सर्व करूंगी, उसका भी लिंक मैं आपको दूंगी, उसमें बताया हुआ है पूरा कैसे आपको बनाना है। तो अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारा तंदूरी चिकन बनके बिल्कुल तैयार है, खाने में बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब होता है, सभी को बहुत पसंद आता है। देखिए बहुत स्मोकी फ्लेवर आता है और ये देखिए पूरे मार्क पूरे जैसे तंदूर में भुने हुए होते हैं बिल्कुल वही है। आप लोग बनाइए, इसका लुत्फ़ उठाइए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।